नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू लहस कुक बुक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक डेजर्ट की रेसिपी। होली का त्यौहार आने ही वाला है और त्यौहारों में मिठाइयाँ चार चांद लगा देती हैं, और जब वो मिठाई शुगर फ्री हो तो सभी उसे एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के इस न्यूट्रिशन से भरपूर लड्डू को किस तरीके से बनाना है। तो आइए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। इसके लिए मैंने बादाम एक कप, काजू आधा कप और पिस्ता आधा कप लिया है। आप चाहे तो इसके लिए कोई भी ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके ले सकते हैं। साथ में ही मैंने लिया है 2.5 कप खजूर। ये बिल्कुल ही सॉफ्ट वाले खजूर हैं जिसमें सीड्स बहुत पतली होती हैं या ना के बराबर रहती हैं। इनको गर्म करते ही ये और भी सॉफ्ट हो जाते हैं और बाइंडिंग का काम अच्छे से करते हैं। देखिए, इसमें से सीड्स मैंने हटा दिए हैं। और मैंने लिया है आधा कप किशमिश, आधे छोटे चम्मच हरी इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच सनफ्लावर सीड्स, 2 बड़े चम्मच सूखा नारियल ग्रेट किया हुआ, और चाहिए हमें देसी घी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मतलब बादाम, काजू और पिस्ता को एक साथ मिक्स कर लिया है। अब इन्हें हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए, मैंने इस तरीके से रफली से चॉप कर लिया है। अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी गर्म करें। इसमें आप सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दें और थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर भूनते रहें। तब तक भुनें जब तक ये लाइटली अपना कलर चेंज करते हैं और साथ ही में क्रिस्प हो जाते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये कितना सुंदर अपना कलर चेंज कर रहे हैं। एकदम स्लाइटली ध्यान दें कि आँच मध्यम रखें या उससे धीमी रखें, गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इनका कलर कितने सुनहरे चमक रहे हैं। अब हम इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसी पैन में सनफ्लावर सीड्स, इनको सूरजमुखी का बीज भी कहा जाता है, उसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। देखिए, हल्के हल्के फूल चुके हैं, और साथ ही में इसके हम लोग कद्दूकस किया हुआ गरी भी डाल देंगे और उसे हल्का सा भून लेंगे। इसे हल्का सा ही भुने, इसे ज़्यादा भुनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, आप लोग इन सनफ्लावर सीड्स के बदले पम्पकिन सीड भी ले सकते हैं, कद्दू के बीज या कोई भी तरीके के बीज आप ले सकते हैं। देखिए, ये हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक दूसरे जगह पे निकाल लेंगे। इसी पैन में आप 1 टीस्पून घी को गर्म करें और किशमिश उसमें धीरे धीरे भुनें। किशमिश को बहुत ज़्यादा देर तक ना भुनें, जब वो हल्के हल्के फूलने लगें तभी उसे आंच से नीचे उतार लें। तो देखिए, यहाँ किशमिश हल्के हल्के कलर चेंज होने लगे हैं और फूलने लगे हैं, तो हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में खजूर को भी डाल दें, उसे 2-3 मिनट तक चलाते हुए गर्म करें, इससे वे और भी सॉफ्ट हो जाएंगे तो बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने चीनी या गुड़ के बदले खजूर लिया है, जो यहाँ मिठास का काम करेंगे, जो कि एक नेचुरल स्वीटनर भी है। अब इसमें सारे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दें, साथ ही इसमें 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड कर दें, करके अच्छे तरीके से सबको मिलाते हुए गर्म करें। 2-3 मिनट तक इसे यूं ही लगातार मध्यम आंच पर चलाते रहें, इससे ये हल्के गर्म हो जाएंगे और एक साथ मिक्स भी हो जाएंगे।
तो देखिए ये हो चुके हैं। अब इसे हमने प्लेट में ठंडा करने रख लिया है। ये हल्के से ही ठंडे हों तभी ही घी हाथ में लगाकर इसे छोटे छोटे लड्डुओं के शेप में कर लें। देखिए मैं इन्हें छोटे छोटे पिंग पोंग साइज बॉल का शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे थोड़ा और बड़ा भी बना सकते हैं। थोड़ा और घी हाथ में लगाकर इसके ऊपर से आप चुपट दें, इसे ये और भी देखने में सुंदर लगते हैं। इसी तरीके से बाकी और लड्डुओं को भी तैयार कर लें। देखिए ये दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इन्हें एक प्लेट में सजा लें। मिठाई बाहर से तो हम सभी खाते हैं, पर घर की बनी हुई मिठाई और वो भी शुगर फ्री बात ही कुछ और होती है। तो आइए चलिए इस होली के अवसर पर आप भी इस शुगर फ्री मिठाई को, वैसे ये ड्राई फ्रूट से बनी हुई है जो कि न्यूट्रिशन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन सबसे भरपूर है, इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं मेहमानों को भी। आप इसे उन्हें गिफ्ट में भी दे सकते हैं। तो बिना कोई झिझक, बिना कोई रोक टोक के इस होली के त्यौहार को रंगीन बनाइए इन मिठाइयों के साथ। मैं और भी बहुत सारी होली की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी आने वाले दिनों में। तो आप भी इसे बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगीं।